जय राधा माधव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा पुनः एक बार प्रणाम। श्री तुकाराम चरित्र के इस भाग से हम उपासना कांड का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आत्मचरित्र अभंग। प्रिय श्रोताओं, एक बार कुछ लोगों ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज आपको वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ और आप पर भगवान कैसे प्रसन्न हुए, कृपा कर यह हमें बताइए। यह प्रश्न सुनकर और श्रोताओं की शुभेच्छा जानकर महाराज ने दो अभंगों में इसका उत्तर दिया। ये अभंग बड़े महत्व के हैं। याति, शूद्र, वैश्य इत्यादि अभंग तो महाराज के चरित्र का मानो संपूर्ण पूर्वार्ध ही हैं। शिष्टाचार यह है कि अपना चरित्र आप ही न कहे, पर आप लोग संत हैं और प्रेम से पूछ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावना करके महाराज ने कहना आरंभ किया। नये बोलो परी पाडले वचन, कहना नहीं किंतु करता पालन, आपके वचन संत जनो। यह चरण इस अभंग का द्रोहपद है। इससे यह जाहिर है कि अपना चरित्र आप ही कहना अनुचित है। इस भाव को मूल में रखकर उन्होंने भक्त अनुग्रह के लिए ही अपने चरित्र की मुख्य मुख्य बातें कह दीं। अब तुकाराम महाराज के मुख से ही उनका पूर्व चरित्र हम लोग भी ध्यानपूर्वक सुन लें। अभंग। जाते शूद्र किया वैश्य व्यवसाय, पांडुरंग पाए कुल पूज्य, कहना नहीं किंतु करता पालन, आपके वचन संत जनो। माता पिता मेरे छोड़ गए, यदा आपदा विपदान पड़ी, दुर्विच ने मारा छीना धनमान, गृहिणी बिनान प्राण त्यागे, लज्जा बड़ी ग्लाने हुए कष्ट भारी, व्यापार में सारी पूंजी हारी, विठल देवल हुआ तिजीर्ण, उद्धार की मन बात आई, पहले कीर्तन पुन एकादशी, रहा न अभ्यासी चित्त तदा, कुछ किए कंठ संतों के वचन, विश्वास सम्मान और धारे, जहाँ नाम गान गाऊं पद टेक, धरूं चित्त एक भक्ति भाव, संत पद तीर्थ किया सुधा पान, दिए लज्जा मान छोड़ पीछे, बन पड़ा जो भी किया उपकार, काया कष्ट कर हरि भजे, हित नात वच दृढ़ माया फंद, तोड़े भव बंद हरि कृपा, सत्य असत्य में साक्षी रखा मन, बहुमत मान माना नहीं, सपने में पाया गुरु उपदेश, नाम में विश्वास दृढ़ धरा, तब स्फुराई कवित्व की स्फूर्ति, हरिपद रते और धारी, निषेध की एक लगी भारी चोट, दुखी हुआ चित्त काल एक, बहियां डुबा दी बैठा दिए धरना, आए प्रभु कान्हा समाधान, कहाँ लाऊं विस्तार हैं बहु प्रकार, होगी बड़ी बेर अतः इति, अब जो हूँ जैसा आपके सम्मुख, भावी जो उन्मुख जाने हरे, भक्तों को न भूलें कदा भगवान, पूर्ण दयावान मेरे हरे, तुका कहे सारा यही मेरा धन। श्री हरिवचन हरि बोल। यह अभंग मूल मराठी से अनुवादित हैं। इन अभंगों में श्री तुकाराम महाराज अपने जीवन की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार गिनते हैं। प्रथम, मैं जाति का शूद्र हूँ पर व्यवसाय मैंने वैश्य का किया। द्वितीय, मेरे कुल स्वामी पांडुरंग हैं, उन्हीं की उपासना हमारे कुल में परंपरा से चली आती है। तृतीय, पिता माता का स्वर्गवास होने के बाद से संसार के दुख मैंने बहुत उठाए, अकाल पड़ा उसमें घर में जो कुछ था वह सब द्रव्य स्वाहा हो गया और द्रव्य के साथ ही प्रतिष्ठा भी धूल में मिली। एक स्त्री अन्न अन्न पुकारती हुई मरी। जो जो व्यवसाय किया उसमें नुकसान ही उठाया, इससे बड़ा कष्ट हुआ।
मुझे आप ही अपनी लज्जा आने लगी। इस प्रकार संसार से असह्य ताप हुआ। चतुर्थ, ऐसी हालत में मन को बहलाने की एक बात सूझी। श्री विश्वंभर बाबा का बनवाया श्री विट्ठल मंदिर टूटा पड़ा था, उसका जीर्णोद्धार करने का विचार मन में उठा। दिन रात परिश्रम करके यह कार्य पूरा किया। पंचम, साधन पथ में पहले एकादशी व्रत रहने लगा और नाम संकीर्तन करने लगा। आरंभ में अभ्यास न होने से उसमें मन नहीं रमता था। तब संतों के ग्रंथ देखे, उनके कुछ बोध वचन कंठस्थ किए, संत वचनों पर पूर्ण विश्वास रखा और आदर से उन्हें हृदय में धारण किया। अर्थ का मनन करते हुए अभ्यास में मन रमाया। षष्ठम, कोई भगवत भक्त हरि कीर्तन करते तो मैं उनके पीछे खड़ा होकर भजन का स्थाई पद गाया करता था और भक्तिभाव से मन को शुद्ध करके मन को मनन में लगा, श्री हरि प्रेम को मन में भरने लगा। सप्तम, कीर्तन भजन नाम संकीर्तन करने वाले कोई भी संत मिल जाते तो उनके चरणों में गिरकर उनका चरणामृत ले पान करता था। ऐसा करने में मुझे कभी लज्जा नहीं बोध हुई। अष्टम, शरीर से कष्ट करके जो भी परोपकार बन पड़ता उसे करता था, पर काज के साधने में देह को घिस डालना अच्छा ही लगता था। नवम, इस प्रकार परमार्थ की साधना मैंने आरंभ की। कथा कीर्तनों में और संतों के समागम में बड़ा आनंद होने लगा, चित्त इन्हीं में रमने लगा। पर हित साधन में शरीर को कष्ट करके थका डालने में बड़ा मजा आने लगा, पर मेरी यह अवस्था मेरे स्वजनों से न देखी गई। भाई बंध और स्त्री आदि सभी उपदेश देने लगे और गृह प्रपंच की ओर खींचने लगे, पर मैंने अपने कलेजे को कठोर बना लिया था, किसी की कुछ भी न सुनी। गृह प्रपंच से मेरा चित्त जड़ मूल से उचट गया था, उस ओर देखने तक की इच्छा न होती थी। स्वजन अपनी ओर खींचते थे, पर मेरा मन परमार्थ की ओर खींचा जा रहा था। लोग प्रवृत्ति मार्ग बताते थे, पर मन तो निवृत्ति मार्ग में ही रमता था। प्रवृत्ति निवृत्ति की इस खींचातानी में सत्य असत्य की पहचान के लिए मैंने अपने मन को साक्षी बनाया और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि का ही पथ अनुसरण किया। असत्य मिथ्या नश्वर प्रपंच को तिलांजलि दे दी। बहुमत को नहीं माना, नित्य अनित्य विवेक करके नित्य को ही अपना लिया। दशम, इस प्रकार जब मैं श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हुआ, तब सद्गुरु श्री बाबाजी चैतन्य ने स्वप्न में दर्शन देकर श्री राम कृष्ण हरे मंत्र का उपदेश किया। मैंने हरे नाम में दृढ़ विश्वास धारण कर लिया। यही विश्वास चित्त में धार लिया कि श्री हरे नाम ही तारने वाला है, यही अपने नामी श्री हरि से मिलाने वाला है। इसी का सहारा मैंने पकड़ लिया। एकादश, अखंड श्री हरि नाम स्मरण में जब चित्त लीन होने लगा, तब कविता करने की स्फूर्ति हुई। श्री हरि कीर्तन करते श्री हरि प्रसाद रूप से अभंग वाणी निकलने लगी। मैंने जाना, यह मेरी बुद्धि का प्रकाश नहीं, यह भगवान का ही प्रसाद है। उन्हीं की बात उन्हीं से मेरे द्वारा निकलती है। यह जानकर कृतज्ञता से गदगद हो श्री विट्ठल नाथ के श्री चरण मैंने हृदय में धारण कर लिए। द्वादश, यही क्रम चलता जा रहा था जब बीच में ही रामेश्वर भट्ट के द्वारा निषेध का आघात हुआ। मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की ही प्रेरणा से कवित्व कर रहा था, पर कुछ लोगों ने मेरे इस प्रयास को अनुचित समझा। वे इसका विरोध करने लगे। इस विरोध से मेरा चित्त दुखी हुआ और मैंने अभंगों की सब बहियों को ले जाकर इंद्रायणी के दह में डुबा दिया और फिर 13 अहोरात्र भगवान के द्वार पर धरना दिए, उन्हीं के ध्यान में पड़ा रहा। तब नारायण को दया आई, उन्होंने स्वयं दर्शन देकर मेरा समाधान किया और मेरी बहियों को भी जल से बचा लिया। जय जय श्री राधे।